हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलु। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रे मेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको परफोरेटेड ट्रे में एक 90 डिग्री बेंड बना के दिखाएंगे, जो कि दो भी कट में, ओके, एक भी कट और 45 डिग्री का होगा। और हम उसको वैसा बनाएंगे जो कि एक साइड जो बचेगा हम कट करेंगे, लेकिन दो साइड जैसे कट नहीं करेंगे, ओके। एक ही साइड से पूरा एकदम मेजरमेंट करके हम बनाएंगे। हम थोड़ा बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको समझ में आए थोड़ा। दोस्तों एक्चुअली इसके अंदर हम बहुत कुछ काम कर चुका है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये 450 का परफोरेटेड ट्रे है, पूरा UPS रूम ये है, और सभी अंदर में जाके ये सभी रूट निकल गया है, जो कि इसका नीचे से केबल आएगा फिर दूसरा पैनल को जाएगा, ठीक है। उसका वो साइड भी लिंक कर दिया है हमने, जो कि हमारे पास अभी मेजरमेंट है 1950 mm है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एक टाइल्स आते हैं, उसका लेग है जो कि 600 का है, ओके। यहाँ से 600 ऐसा होकर तीन के बाद ये आता है कुछ 75 mm अंदर, क्योंकि 450 अगर 600 से 450 जाएगा तो बसते 150 को डिवाइड करेगा तो एक साइड में हमको 75 बसता है, ओके। और हमने क्या किया, ऐसे है 1950, और हमने इसको मेजरमेंट किया तो देख सकते हैं इतना थोड़ा सा ज़्यादा है। हमको एक्चुअली लगाना है यहाँ से लेके यहाँ पर, ओके। ये ट्रे डाल दिया गया और ये ट्रे भी इधर से पूरा फाइनल होके हमको उसी प्रकार से बनाना है, जो कि बचेगा तो एक साइड हम कट करेंगे, ना कि दोनों साइड ही, जैसे कि बेंड पहले बना दिया बाद में दोनों साइड फिर कट करके लगाओ, ऐसा नहीं करेंगे हम। इसको एक ही साइड का कट करके लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कपलर लगाया गया है, उसमें कपलर है नहीं, ओके। और ये जो हमारा ट्रे आता है इसका भी एक साइड कपलर आता है, ओके। हमने एक्चुअली देख सकते हैं ये हम उसका ड्राइंग बना दिया है, जो कि इसी प्रकार से, ओके। वो साइड थोड़ा छोटा पीस चाहिए, ये साइड थोड़ा लंबा पीस चाहिए, और यहाँ पर देख सकते हैं उसका मेजरमेंट कुछ 1530 हो रहा है, जो कि यहाँ से, ओके। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल 1950 से हमको 420 ये जो पीस निकला हुआ है वो है, वो 420 माइनस करा जाएगा तो हमको कुछ 1530 mm मिलता है। ये लास्ट पीस हम रखेंगे, ओके। लेकिन हम स्टार्टिंग से इस साइड से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कपलर ये साइड में चाहिए, जो कि हमको 270 एक्चुअली उसका इधर तक चाहिए, लेकिन हम इसके लिए 50 mm पहले माइनस करेंगे तो हमको बचता है 220 में। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, ये 220 में मार्किंग हो गया। मार्किंग करने के बाद हमको 450 के लिए एक्चुअली चाहिए 370 एक बी कट को, ठीक है। 45 डिग्री बनाने के लिए हमको 370 mm का एक बी कट होना चाहिए, और ऐसा वाला दो बी कट में हमारा 90 डिग्री बेंड बनेगा। कुछ आदमी लोग मेरे को कंप्लेन करते थे कि एक्चुअली 100 mm के लिए हम 80 mm कट कर देता है तो हो जाता है, बट ये एक्चुअली जब ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ट्रे तो वो सेम फार्मूला काम नहीं करता, एक्यूरेट मेजरमेंट मिली के हिसाब से करना पड़ता है, ओके। यहाँ पर देख सकते हमने लिया, जो कि 370 को डिवाइड किया, और बाद में हम यहाँ पर 70 mm रखा है, और यहाँ पर फिर 185, बाद में फिर 185, फिर लास्ट में हमको एक्चुअली यहाँ पर 1530 में फाइनल कट करना है, ओके। ये फाइनल पहले कट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो हमको घुमा के मेजरमेंट कटिंग करना थोड़ा दिक्कत होगा, वही हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ये फुल पीस ट्रे देख सकते हैं, और हमको लास्ट में चाहिए था 1530, बट यहाँ पर बैलेंस हो जाता है कुछ 60 mm, ओके। तो हम बाद में इसको एक छोटा पीस जॉइंट कर लेंगे। देख सकते हैं ये पूरा हो गया, लेकिन हमको एक्चुअली चाहिए था 1530 ये जो लास्ट से, लेकिन हमको ये 50 mm माइनस करा जाए तो यहाँ पर हमको 1480 चाहिए, ओके। ये 1470 है, जो कि हमको और 10 mm का जॉइंट करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 mm का जॉइंट करना पड़ेगा, ओके।
इसी तरह से दोस्तों ए बैंड को हम लगा लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फिनिशिंग हो गया, जो कि आपको बोल रहा था यहाँ पर एक्चुअली 10 mm का शॉर्टेज था, वो जॉइंट कर दिया गया। और ये रूम का काम में आपको दिखाया नहीं था बिल्कुल, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी इनकमर या आउटगोइंग जो भी लिंक है वो कुछ बॉटम एंट्री है, वो इसीलिए ये ट्रे डाला गया। ओके, और जो टॉप एंट्री है वो बाद में डाला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर केबल से भी आके है और ऐसे भी डालेंगे हम, लेकिन बॉटम एंट्री वाला हम जो लगाते हैं इसको एक्चुअली ये जो पीस डालना पड़ता है, क्योंकि इसका लुक एक अच्छा आएगा और केबल के लिए सेफ्टी होता है। ओके, नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट भी बेंड कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक भी पीस ही ऐसा वाला डायरेक्ट नहीं लगाया। देख सकते यहाँ पर पूरा पूरा और यहाँ बेंड बना दिया। ठीक है, ये सभी UPS एक एक है, बहुत सारे UPS है यहाँ पर। मैं पूरा रूम दिखा देना चाहूँगा, और ठीक है उसी प्रकार से ये लिंक है, उधर एक वर्टिकल हमने ऊपर लिया जो कि इसका डोर एक्चुअली टच हो जाएगा, बल्कि हम थोड़ा उसको शिफ्ट किया। और यहाँ पर ये सब भी लिंक हो गया, देख सकते हैं ये भी सभी में कुछ ना कुछ नीचे लिंक है। ओके, इसी प्रकार से है ये भी, कुछ एक्चुअली टेम्पररी के लिए लगाया गया है ये, जो कि पावर ऑन है अभी, पूरा का पूरा ऐसा है। और इसका ऊपर में हम वर्टिकल डाल लिया है, ऐसे भी हो गया है जो कि कॉर्प बेंड किया है, और एक यहाँ पर ये भी है और उधर भी है। बहुत सारे काम एक्चुअली ये रूम पे हो चुका है और होने वाला भी है आगे में, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिए, और कमेंट में पूछ सकते हैं आपको कोई डाउट है या सुलझा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नई टेक्निक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।